सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के साथ ही जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि पीएम मोदी को चुनाव में औकात दिखा देंगे। अब इसी बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को अपने निशाने पर ले लिया है। आज पीएम मोदी ने मौका देखकर चौका मारा और चुनावी फायदे की हवा को भांपते हुए कांग्रेस नेता के बयान को सियासी रंग दे दिया। पीएम मोदी ने सुरेंद्र नगर में कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है और हमारी औकात बस सेवा देने की है। ये कांग्रेस वाला कहते आ मोदी ने नहीं औकात बतावी देशु औकात तमे मारी औकात देखाड़वानी। अरे हूं तो सेवक छु, सेवक छु, हूं तो सेवादार छु, अने सेवक के सेवादार नी बड़ी औकात होती है। बता दें कि इससे पहले 2017 की ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर के नीच कमेंट पर भी बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और पीएम मोदी दूसरे चरण के प्रचार में चुनाव का रुख मोड़ दिया था। और अब एक बार फिर गुजरात का चुनाव है और पीएम मोदी कांग्रेस के इस बयान को बख्शने के मूड में नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि वो औकात की बात करते हैं, वो कहते हैं औकात दिखा देंगे। मैं कहता हूं मेरी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात बस सेवा देने की है। वो राज खानदान से हैं और हम सेवादार से। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, तमे तो बता राज परिवारो छो, हूँ तो एक सामान्य परिवार नु संतान छो। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मिस्त्री का यह बयान कांग्रेस के लिए मुश्किल बन सकता है। साल 2017 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, इससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। और कांटे के चुनावी मुकाबले के दूसरे चरण में पीएम मोदी ने रैलियों में अय्यर के इस बयान को जमकर भुनाया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने आज एक और स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी पर टिकट के लिए पैसा लेने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी बीजेपी ने इसी तरह का एक स्टिंग जारी किया था। चुनावी घड़ी, स्टिंग की झड़ी, एमसीडी के दंगल में दे दनादन स्टिंग। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले स्टिंगबाज अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ताबड़तोड़ स्टिंग बम फोड़कर सियासी फायदा लेने में जुटी है। आज फिर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक स्टिंग जारी किया, जिसमें आरोप है कि आप नेता नगर निगम चुनाव में उगाही करने में व्यस्त हैं। बीजेपी ने आप नेता गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज पर भी चुनाव से पहले उगाही करने का आरोप लगाया। गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं, उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं, तो गोपाल राय जी के भी काफी नजदीकी हैं पुनीत गोयल। इन्होंने बताया कि किस तरह चोर है, किस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को लेकर एक नया स्टिंग वीडियो जारी किया। संबित पात्रा ने कहा कि स्टिंग का कल्चर अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि रोहिणी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 54D में यह कथित घोटाला सामने आया। पात्रा ने कहा कि बिंदु लगभग 2.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी और नगर निगम चुनाव में टिकट की आस में थी, लेकिन बिंदु की जगह किसी और को पैसा लेकर टिकट दे दिया गया। बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया। हर कार्यकर्ता हर सीट पे जमीनी तौर पे काम कर रहा है और उसकी बिल्कुल भी पूछ नहीं है, और इसके अवज में टिकट दे दी जाती है उन लोगों को, उन धनवान लोगों को जिनके पास पैसा है। अब बीजेपी के स्टिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जवाब दिया। आम आदमी पार्टी के ट्वीट में लिखा गया कि बीजेपी रोज एक नई नौटंकी लेकर आती है,
पहले कहा कि शराब घोटाला हुआ, फिर कहा बस घोटाला हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला। हम पर लगे सभी आरोपों की जांच कर ली जाए, न पहले कुछ मिला न अब कुछ मिलेगा। बीजेपी के नए स्टिंग पर केजरीवाल ने कहा, कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया था, उसमें भी कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी बीजेपी वाले कई स्टिंग दिखा चुके हैं, उनका काम केवल आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें। बड़ी खबर है कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में पहुंचे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। एमसीडी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। कल भी हमने देखा था कि चार राज्यों के मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो करने वहां पर पहुंचे थे। इधर श्रद्धा मर्डर मामले में रोजाना, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस को आशंका इस बात की कि आफताब ने श्रद्धा का सिर दिल्ली के एक तालाब में फेंका होगा, लिहाजा अब उस तालाब से पानी को निकाला जा रहा है। लेकिन इस बीच आज आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट नहीं हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस में जांच में जुटी पुलिस आज आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट करा सकती है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, इसके लिए अनुमति की जरूरत होती है। अभी कोर्ट ने नार्को टेस्ट की मंजूरी दी है। अगर आज कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी मिल जाती है तो 10 दिन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। नार्को टेस्ट की रिक्वेस्ट दिल्ली पुलिस से हमें मिल गई है और हमारे जो डायरेक्टर मैडम है दीपा वर्मा जी, उन्होंने इस केस को प्रायोरिटी पर ले लिया है और जल्दी से करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत अभी 2-3 दिन से इस पे हमने, हमारी FSL ने काम शुरू कर दिया और जल्दी ही नार्को टेस्ट की हम डेट दे दी जाएगी। दूसरी तरफ आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है और अपने बयान बदल रहा है। ऐसे में उसके खिलाफ सबूत जुटाने में नार्को टेस्ट को काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस आफताब के टेस्ट के दौरान 51 सवाल पूछ सकती है। इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी में एक तालाब को खाली कराने पहुंची। दरअसल आफताब ने पूछताछ में बताया कि उसने मैदान गढ़ी के तालाब में श्रद्धा का सिर फेंका था। आफताब मुंबई के जिस होटल में शिफ्ट था, दिल्ली पुलिस वहां भी जांच करेगी। वहां संबंधित स्टाफ से पूछताछ की जा सकती है। एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर श्रद्धा मर्डर केस में CBI जांच की मांग की है। इसके अलावा आरोपी आफताब पुलिस को कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। आफताब ने पूछताछ में बताया कि वो श्रद्धा से नफरत करने लगा था, इसीलिए उसने श्रद्धा की हत्या के बाद उसकी तस्वीर भी जला दी थी। उधर दिल्ली पुलिस लगातार तीसरे दिन मेहरौली के जंगल में जांच करने पहुंची। यहां से अब तक शव के 17 टुकड़े बरामद हुए हैं। हालांकि ये सभी हड्डियों के रूप में ही मिले हैं, पुलिस ने इन्हें फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर गुजरात के सियासी समर में भी श्रद्धा का मामला छाया हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हत्याकांड के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी नेता विनीत शारदा ने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। गुजरात के गदर में भी श्रद्धा हत्याकांड की गूंज सुनाई देने लगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। सीएम अशोक गहलोत ने इस हत्याकांड को एक दुर्घटना बताया और कहा कि इसे जानबूझकर उछाला जा रहा है। सीएम गहलोत का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से अंतरजातीय और अलग अलग धर्मों में शादियां होती आ रही हैं, लेकिन अब राजनीति करने के लिए एक धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। ये तो कोई नई बात नहीं, सदियों से इंटरकास्ट इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जो आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उनके आधार पर आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत का दावा है कि धर्म के नाम पर शंका पैदा करना, मॉब क्रिएट करना बड़ा ही आसान हो गया है, इसीलिए एक कौम को टारगेट बना दिया जाता है। तो उधर श्रद्धा हत्याकांड पर बीजेपी नेता विनीत शारदा ने विवादित बयान दे दिया है। विनीत शारदा ने कहा कि आफताब जैसे लोगों की दाढ़ी पेट में होती है, जुबान में दाढ़ी रखने वालों का कत्लेआम करने से चूकना मत,
पेट में दाढ़ी रखने वालों से सावधान रहना। अब मुसलमान का लड़का जिसकी दाढ़ी उगली हुई होती है और दाढ़ी हो ना हो पेट में दाढ़ी उसके जरूरी होती है। किसी मोहल्ले में किसी गली में किसी शहर में ये दाढ़ी वाले पेट में दाढ़ी रखने वाले और जवान पे दाढ़ी रखने वाले आए तो उनका कत्लेआम करने से भी छूटना मत, अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए उनको छोड़ना मत। जाहिर है सियासतदान चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो अपने फायदे के लिए एक क्रूर अपराध को भी सियासी मोड़ देने से नहीं चूकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मथुरा में हाईवे पर सूटकेस में लड़की की लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली के रहने वाली इस लड़की की हत्या उसी के पिता ने महज इसलिए कर दी क्योंकि लड़की घर से बगैर बताए किसी को बताए कहीं चली गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मिली युवती की लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो हत्या के पीछे हॉरर किलिंग मुख्य वजह है। झूठी शान के लिए पिता ने ही अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है लेकिन बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर एक पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है। एक पिता अपनी बेटी की हत्या किसी बात को लेकर नाराज होने के बाद कैसे कर सकता है और न केवल हत्या बल्कि उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में बंद करके एक्सप्रेसवे पर फेंक देता है। दरअसल मृतक लड़की आयुषी 17 नवंबर से घर से लापता थी। 18 नवंबर यानी शुक्रवार को उसका पॉलिथीन में लिपटा हुआ खून से सना शव यमुना एक्सप्रेसवे सर्विस रोड के नजदीक से बरामद किया गया था। आयुषी की बेरहमी से हत्या कर उसे लाल सूटकेस में पैक करके फेंक दिया था। आयुषी दिल्ली के बदरपुर इलाके के मोलड़बंद में अपने परिवार के साथ रहती थी। कहा जा रहा है कि आयुषी बिना बताए घर से चली गई थी और इसी बात से पिता नीतीश यादव नाराज थे। जैसे ही आयुषी घर आई पिता ने उसके सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुने में फादर ने इसको दो गोली मारी थी। हॉरर किलिंग की इस घटना ने एक बार फिर चिंता बढ़ाई है। जहां पिता ने झूठी शान की खातिर बेटी की हत्या कर डाली जिससे एक हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मथुरा में लावारिस बैग मिलने के मामले में खुलासा हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे पर युवती का शव मिला था एक बैग के अंदर। हत्या के आरोप में पिता और मां दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। पिता के साथ मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में आप वो देख सकते हैं शव जो कि एक सूटकेस के अंदर बंद करके पॉलिथीन में लपेट कर यमुना एक्सप्रेस पर ही मथुरा में जो सर्विस रोड थी वहां पर खाली और सुनसान जगह का फायदा उठाकर फेंक दिया गया था। आखिरकार शव मिलने के बाद सनसनी फैली, पुलिस के पास मामला पहुंचा, जांच शुरू हुई और आखिरकार पुलिस कातिलों तक जा पहुंची। कातिल कोई और नहीं बल्कि लड़की का पिता भी है और साथ में मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको दो गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पे ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह परिवार समेत पहुंचे। उन्होंने हनुमान गढ़ी और रामलला के दर्शन किए, पूजन किए। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे। लखनऊ से कार से वे सरयू तट स्थित सरयू होटल पहुंचे। यहां से सीधे सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार गए। हनुमान जी की पूजा अर्चना के दौरान वो भक्ति भाव में लीन दिखे। हनुमान गढ़ी के संत राजू दास ने उनका स्वागत सत्कार किया। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हनुमान गढ़ी में पूजा अर्चना की। हनुमान गढ़ी में श्रद्धा अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति सीधे रामलला के दरबार पहुंचे।
जहां उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की और आरती उतारी। इस मौके पर मॉरिशस के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पूर्वज काफी सालों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे थे। हम रामायण को मानते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत ही महान है। ये तो सभी की भाग में नहीं है यहाँ पर आने को। ये तो हम सोचता है कि भगवान ही हमें यहाँ संदेश दिया आने को और उसका मार्गदर्शन करने के। राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने मॉरिशस के राष्ट्रपति का भव्य अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कामों को भी देखा। मंदिर निर्माण के कार्य का साक्षी बनकर राष्ट्रपति बेहद खुश नजर आए। इसके बाद राष्ट्रपति सिद्ध पीठ कनक भवन पहुंचे और कनक बिहारी सरकार की पूजा अर्चना और आरती की। और इस वक्त बड़ी खबर है रामपुर से, जहां पर आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम खान के मीडिया इंचार्ज फसाहत शानू ने आजम खान का साथ छोड़ दिया है। फसाहत शानू ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। हालांकि इसको लेकर पहले से ही खबरें सामने आ रही थी कि आजम खान को झटका लग सकता है। उनके जो मीडिया इंचार्ज हैं फसाहत शानू, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। आजम खान के बेहद करीबी थे फसाहत। समाजवादी पार्टी के जो उनके मीडिया प्रभारी थे आजम खान साहब के, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, गांव के प्रधानों ने, सब लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है और हमने सबका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से चलती है और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, रामपुर में उपचुनाव है, उस चुनाव को शत प्रतिशत जीतने में सबका सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने भी संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। और खबर मां बड़ी आग में, अब आग की खबर आपको दिखाते हैं। देश भर के कई राज्यों में आग ने तांडव मचाया है। बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में आग ने कहर बरपा दिया। पंजाब के लुधियाना में आज तड़के जोधेवाल बस्ती नजदीक एक धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपयों की ऊन राख हो गई। लोगों ने खुद भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग देखते ही देखते बढ़ती चली गई और पूरी इमारत को अपने चपेट में ले लिया। वहीं आसपास की फैक्ट्री में भी आग की लपटें पहुंच गई। तो दूसरी तरफ एमपी के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खाली खड़ी इंदौर रतलाम बिना पैसेंजर में आग लग गई। आग बेकाबू होने से एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तो वहीं बिहार के सीवान में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी। पोल में टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई, जिससे स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि तमिलनाडु के विरुधनगर के शिवकाशी में भद्रकाली अमन मंदिर के टावर में बीती रात आग लग गई। बाद में दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब खबर आगरा से, जहां पर ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब वीडियो वायरल होने के बाद जो हिंदुवादी संगठन है वो इस पर एतराज जाहिर करते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ताजमहल में नमाज, वीडियो पर बवाल। आगरा के ताजमहल में एक बार फिर पर्यटकों के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। पार्क में नमाज पढ़ते पर्यटक का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ताजमहल में केवल शुक्रवार या ईद पर ही नमाज हो सकती है, इसके बावजूद यहां आए दिन पर्यटकों द्वारा नमाज पढ़ने के मामले सामने आते रहते हैं। वायरल वीडियो में ताजमहल के उद्यान में सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ व्यक्ति नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके नजदीक ही एक महिला भी बैठी हुई है।
इसको लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। अब इस वीडियो को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग की है, साथ ही प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। इससे पहले मई में भी ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने पर हैदराबाद के 4 पर्यटकों को पकड़ा गया था। CISF ने उन्हें ताजगंज पुलिस को सौंपा था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। पिछले महीने भी यहां नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने सिख छात्रों को परिसर में कृपाण धारण करने की अनुमति दे दी है। यहां के छात्र पिछले कई महीनों से ये मांग कर रहे थे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय ने सिख छात्रों को परिसर में कृपाण धारण करने की अनुमति दी है। हालांकि कृपाण रखने के लिए नियम भी तय किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक कृपाण के ब्लेड की लंबाई 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कृपाण को हर वक्त कपड़ों के अंदर रखना होगा। करीब 2 महीने पहले कृपाण रखने पर यूनिवर्सिटी के एक छात्र को हथकड़ी लगा दी गई थी। इसके बाद से सिख छात्र यूनिवर्सिटी में कृपाण धारण करने की परमिशन देने के लिए आंदोलन कर रहे थे। दरअसल छात्र को पुलिस अधिकारी ने कृपाण उतारने के लिए कहा था और इनकार करने पर उसे अरेस्ट कर लिया गया था। कृपाण धारण करने के लिए बने नए नियम के बाद सिख छात्रों और सिख समुदाय ने खुशी जाहिर की है। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों को एक शख्स ने उस वक्त थप्पड़ जड़ दिया जब वो दक्षिणी फ्रांस में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिण पूर्वी फ्रांस की यात्रा के दौरान एक शख्स ने सरेआम तमाचा जड़ दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब मैक्रों दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र के दौरे पर थे। यहां वो छात्रों से मिल रहे थे ताकि कोविड के बाद के जीवन को लेकर जानकारी ले सके। वायरल वीडियो में मैक्रों सफेद रंग की शर्ट में नजर आ रहे हैं, जबकि लोगों की भीड़ की तरफ जब वो मुड़ते हैं उसी दौरान एक शख्स उन्हें तमाचा जड़ देता है। तमाचा जड़ने वाला शख्स ये बोलते हुए सुना जाता है कि डाउन विद मैक्रोनिया। इस घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। हाल ही में फ्रांसीसी सेना को सेवा देने वाले एक गुट ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्लाम को लेकर हिदायत दी थी। इस गुट का कहना है कि इस्लाम धर्म को रियायत देने की वजह से फ्रांस का अस्तित्व दांव पर लग चुका है। इस घटना को इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी पिछले साल 8 जून को भीड़ में एक शख्स ने मैक्रों को थप्पड़ जड़ दिया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।